बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर स्ट्रीम एक दफा का जिक्र है कि एक बारा सिंगा एक नदी पे पानी पी रहा था ही हैपन टू सी हिज रिफ्लैक्शन इन वाटर उसने पानी के अंदर अपना अक्स देखा ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स उसने जब अपने खूबसूरत सिंगों को देखा तो बड़ा खुशी हुआ बट व्हेन ही saw his thin legs लेकिन जब उसने अपनी पतली कमजोर टांगों को देखा he felt sad as he thought they were ugly उसको बड़ा अफसोस हुआ बड़ा दुख पहुंचा क्योंकि वो बड़ी बदनुमा नजर आ रही थी। suddenly he saw a pack of hounds at a distance अचानक ही उसने कुछ ही फासले पर शिकारी कुत्तों का एक हजूम देखा ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम वो इतनी तेजी के साथ भागा जितनी कि उसकी टांगे भाग सकती थी सोन ही द फॉर बिहाइंड जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया ही हैड टू पॉज थ्रू आ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशीज लेकिन उसको एक झाड़ियों के जंगल में से गुजरना पड़ा हिज हॉर्न्स गॉड कॉट इन अ बुश उसके खूबसूरत सींग उस बुश के अंदर फंस गए ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स आउट ऑफ इट बट ऑल इन वेन उसने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने सिंगों को छुड़ा सके लेकिन उसकी सारी कोशिश रायगा गई किसी काम ना आई बट नाउ द हॉन्स हैड कम अप लेकिन अब वही शिकारी कुत्ते उसके पास आ चुके थे दे फैल अप ऑन हिम एंड टॉर हिम टू पीसीस वो शिकारी कुत्ते उस पर जपट पड़े और जल्द ही उसने उस स्टैग को उस बारा सिंगर को चीट फाड़ कर दिया अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन इज अबाउट कि व्हाट वाज द स्टैग डूइंग वहाँ पे क्या कर रहा था तो आप क्वेश्चन का टेंस देखें उसी टेंस के अंदर आपने आंसर देना है द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर वेरी सिंपल के स्टैग वहाँ पे पानी पी रहा था क्वेश्चन नंबर टू इज के वाट डिड ही सी इन द वाटर उसने उसके अंदर क्या देखा आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव है अब हम आंसर के अंदर चूँकि उसको अफर्मेटिव में लेके आएंगे इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर क्वेश्चन नंबर थ्री इज के वाई वॉज ही प्लीज्ड वो क्यों खुश था तो आंसर है ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स वो अपने खूबसूरत सिंगों को देख के बहुत खुश था क्वेश्चन नंबर फोर है कि व्हाट मेड हिम सैड किस चीज़ ने उसको अफसरदा किया परेशान किया तो आंसर है हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड उसकी कमज़ोर पतली टांगों ने उसको अफसरदा किया क्वेश्चन नंबर फाइव इज अबाउट व्हाई डिड ही रैन वो क्यों भागा तो आंसर है ही रैन फॉर हिज़ लाइफ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज के हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम कैसे उसकी टांगों ने उसकी मदद की थी तो आंसर है हिज लेग्स हेल्पड हिम टू रन फास्ट उसकी टांगों ने तेज भागने में उसकी बड़ी मदद की थी सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर थ्री भी मुकम्मल होता है